ग्लोबल बाजार तो ठीक ठाक है, बल्कि कल की गिरावट में भी ग्लोबल मार्केट्स में तो हमने कुछ एक्शन नहीं देखा था। यूएस के बाजार कल पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर्स फिलहाल एकदम सपाट है, नासडैक फ्यूचर्स भी एकदम सपाट है, कोई मूवमेंट वहां पर आपको नहीं होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा यूरोप के फ्यूचर्स की बात करें तो हल्की सी गिरावट है, कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। और एशिया में तो हमने देखा हांगकांग के बाजार 1.5% ऊपर थे, जापान और चीन में भी ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं दिखा। तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक है, निफ्टी 200 पॉइंट्स नीचे, क्या करना है सर? दीप, खरीदारी की रेंज में आ रहा है बाजार, रनिंग करेक्शन है और इस रनिंग करेक्शन में आपने 18600 का हाई देखा, 18600 के हाई से 18100, 18150, 18200 ये सपोर्ट रेंज है बेसिकली जहां पर आप पहुंच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवर करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको खरीदारी करना शुरू करना चाहिए। यहाँ खरीदें 18150 तक और खरीदें, 18050, 18000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। वैसे तो जहां पर आप हैं अभी यही अपने आप में बड़ा सपोर्ट है, 18150, 18200, तो इस रेंज में भी शॉर्ट कवरिंग की जा सकती है, यहां पर भी हल्की फुल्की फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा नीचे आए 18150 तक और ऐड करें, 18000 से नीचे की कमजोरी फिलहाल तो नहीं दिख रही, उसको आप एक बार स्टॉप लॉस समझ कर आप खरीदारी कर सकते हैं, या अगर आपने खरीदारी की हुई है तो एक तरह से 18150 का और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मान ले। मेरा ये समझना है यहाँ पर बेचने के बजाय खरीदने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, बाजार काफी हल्के हो चुके हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसकी दो वजह। पहला, ग्लोबल मार्केट अभी तक तो कोई खास खराब नहीं दिख रहे, अब रात को आज अमेरिका खराब हो जाए तो वो तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो ग्लोबल मार्केट्स में खराबी है नहीं। अगर हमारे बाजारों को फॉलो करके अमेरिका कमजोर हो जाए तो थोड़ा बहुत उसका असर आ सकता है, लेकिन वो आप काफी हद तक ऑलरेडी प्राइस इन करके चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पुट कॉल रेशियो घटकर 0.94 पर आ चुका है, जो कि ओवरसोल्ड हो चुका है, कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है। तो अगर हम दिन के लो पॉइंट पर आज बंद होते हैं तो कल के लिए एक बाउंस का मौका बनता है। अब बाउंस में दो चीजें हो सकती है, आप 18200 पर हैं, या तो एक काम ये हो सकता है कि आप 18150 या 18050 आए और उसके बाद बाउंस करें, या कल गैप से खुल जाए, दोनों में से क्या होगा इसका पता नहीं। तो अपने सिंपल ये करना है, 200 पॉइंट के और रिस्क समझ लें कि 18000 तक की रिस्क बन सकती है, वो समझ कर खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड की जा सकती है, और यहां से आपको खरीदारी करके थोड़ा और ऊपर के लिए इंतजार करना चाहिए। 18350, 375 ये लेवल हैं तीन जिनके लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आज आपको क्लोजिंग में एक घंटा है 18300 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो आप थोड़े और अच्छे हैं, और अगर 18300 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो कल के लिए थोड़ी चिंता है, तो खरीदें उतना ही जितना आप आराम से 200 पॉइंट की अगर और कमजोरी हो जाए निफ्टी पर देख सके, तो पहली चीज। और दूसरा, अगर फ्यूचर्स सीधा सीधा खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पर फ्यूचर्स में आपको कहीं कहीं हेजिंग करके चलना चाहिए, वो 18000 के पुट के साथ होना चाहिए। 18200 आखिरी सपोर्ट है, 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो उम्मीद करें कि यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। हालांकि एक चीज हुई है, जब आप 18200 के नीचे ट्रेड करें तो लगभग 1 करोड़ शेयर ऐसे पुट राइटर्स है जिन्होंने तेजी की पोजीशन जो बनाई हुई है वो रिस्क पर है। ऊपर कॉल राइटिंग काफी जबरदस्त हुई है, ये कॉल राइटिंग शॉर्ट कवरिंग में तभी बदलेगी चूंकि ओवरसोल्ड मार्केट है, जब ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट दे। तो अगर आज अमेरिका में बढ़िया तेजी होगी तो कल सुबह आपको एक गैप अप ओपनिंग और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, अगर अमेरिका खराब हुआ तो आप नीचे खुलकर फिर रिकवर करेंगे। तो रिकवरी आपको 18150, 18200 से आएगी, या 18000, 18050 से आएगी, वही आपको डिसाइड करना है, बाकी रिकवरी आनी तय। तो थोड़ा खरीदें, थोड़ा कल के लिए रखें, ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले में कम कमजोर है, अब भी 39300 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, एक बार की उसके नीचे फिसला जरूर था, लेकिन कोई खास खराबी बैंक निफ्टी में अभी तक हुई नहीं है दीप। इनफैक्ट बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली काफी बेहतर है, काफी मजबूत है। तो ऐसे में 39000 को आप सपोर्ट मानकर चले, बैंक निफ्टी में भी 39350 के आसपास आप थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी फ्रेश खरीदारी करने का सोच सकते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं ऊपर की तरफ। 39500 के ऊपर अगर आज बंद हो जाता है बैंक निफ्टी तब तो समस्या बिल्कुल भी नहीं है, और 39500 के नीचे थोड़ा बंद होता है तो हल्के से आप कॉशियस हैं। 39300 ये लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे नजर रखिए। तो सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी भी पहुंच रहा है, सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी भी पहुंच रहा है, इसलिए चिंता करने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।